यूपी बैंक ऑफिसर एसोसिएशन द्विवार्षिक सम्मेलन हुआ आयोजित। अयोध्या बड़ौदा यूपी बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का द्विवार्षिक सम्मेलन शनिवार को एक होटल में आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण बैंक के केंद्रीय और प्रांतीय संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने शिरकत की। सम्मेलन की अध्यक्षता सेवानिवृत्त अधिकारी नेता कॉम आर के सिंह ने की। अधिवेशन सभा को पर्यवेक्षण के रूप में आए हुए केंद्रीय संगठन के पदाधिकारी विमल शुक्ला, यूपी स्टेट ग्रामीण बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सिंह, महासचिव हरीश चंद मिश्रा, सेवानिवृत्ति केंद्रीय संगठन के उपाध्यक्ष पी के श्रीवास्तव, विक्रम श्रीवास्तव आदि नेताओं ने संबोधित किया। ऑफिसर एसोसिएशन का ये द्विवार्षिक अधिवेशन 2 सत्रों में संपन्न हो रहा है। प्रथम सत्र के समापन के बाद संगठन के महासचिव कॉम सुरेश श्रीवास्तव ने महामंत्री प्रतिवेदन आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर आए हुए प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त कर अनुमोदन किया। ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष कांग्रेस राजेश खत्री ने सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए वर्तमान कार्य समिति को भंग करने की घोषणा की, जिसके बाद चुनाव समिति ने नए नए पदाधिकारी के नाम की घोषणा की। ऑफिसर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का चुनाव अयोध्या में संपन्न हुआ, जिसमें निम्न पदाधिकारी चुने गए। बड़ौदा यूपी बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को सभी ने बधाई दी। कार्यालय सचिव के पद पर मैंने अप्लाई किया था और उस पर मुझे आज अच्छी लीड मिली और अच्छे वोट के साथ मैं विजय हुआ, उसके लिए मैं अरिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। संगठन को मजबूत करने के लिए हम सब लोग एक मंच पे आके बहुत अच्छे से काम करेंगे। जो गलतियां पहले संगठन से हुई है उनमें हम चर्चा करके सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? शंकर लाल चौधरी। काफी सेशन का ये अधिवेशन था और नई कार्यकारिणी का गठन होना है शाम को अभी चुनाव के माध्यम से, जिसमें मैं महासचिव पद का उम्मीदवार हूँ और अभी 4 बजे से 5 बजे से वोट पड़ेगा और शाम को वोटिंग काउंटिंग हुई, काउंटिंग के बाद इसका नई कार्यकारिणी चर्चा में आप सबको लेकर समाहित करके चलेंगे। हम जितने भी हमारे सदस्य हैं, जितने भी हमारे और प्रत्याशी हैं, उन सबको कोशिश होगी कि सबको समाहित करके और सबके साथ सामंजस्य बनाकर इस संगठन को एक मजबूती प्रदान करते हुए आगे ले चला। क्या नाम आपका? विक्रम कुमार श्रीवास्तव, महासचिव। सब हम तो कार्यवाहक महासचिव के लिए मैंने अपना पर्चा दाखिल किया था, जिसमें जीत हासिल हुई है। और संगठन के लिए अगर बात करें तो संगठन मजबूत तो करना है। संगठन मजबूत क्या करना, हमारा संगठन पहले से मजबूत है। यहाँ सिर्फ हमें काम करना है अपने स्टाफ के लिए और जो मैनेजमेंट और बाकी जो उनके खिलाफ मतलब स्टाफ के खिलाफ जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं उसके खिलाफ हमें एकजुट होकर वापस जो चुनाव हारे हैं चाहे जीते हैं उससे कोई मतलब, सब मिल के वापस फिर हम लोग वही काम करेंगे कि अपना काम उनसे मैनेजमेंट से मनवाया जाए। प्रमुख समस्याएँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बड़ौदा यूपी बैंक में वैकेंसी की है। वहाँ पे वैकेंसी ना के बराबर है। इस बार बहुत लड़ाई, बहुत धरना आंदोलन करने के बाद कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं, लेकिन अभी भी इतनी नहीं है कि रेगुलर स्टाफ काम कर पाए। सभी का धन्यवाद। सब हमारे साथी हैं, जिसने दिया चाहे नहीं दिया सब हमारे साथी हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत अमित कुमार राय। हम गोरखपुर से हैं। क्या नाम आपका? अमित कुमार राय। और कितने पदों पर? आज जो कार्यक्रम है हमारा द्विवार्षिक हमारी कार्यकारिणी का अधिवेशन है, जिसके सेकंड पार्ट में हम नई कार्यकारिणी का गठन करने जा रहे हैं और वो गठन हमारा जितने भी पदों पे सर्वसम्मति से हो गया है, उनके अलावा सेंट्रल कमेटी के पदों पे और कुछ जोन वाइज हमारा जो है चुनाव है, जिसकी प्रक्रिया थोड़ी देर में स्टार्ट होने जा रही है और इसका मकसद केवल और केवल अपनी कार्यकारिणी को, अपनी टीम का पुनर्गठन करके उसको और मजबूत करना है। जैसे पिछले टर्म में मैंने अध्यक्ष के रूप में जो अचीवमेंट प्राप्त किया, उन्हीं चीज़ों को मैं आगे भी नई टीम के से उम्मीद करूँगा। मैं भी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और मैं जो हूँ चाहता हूँ कि नई टीम उस तरीके से आगे बढ़ के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। राजेश खत्री, अध्यक्ष बड़ौदा यूपी ऑफिसर। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।